हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल मैं नीलम शर्मा हिरण मेकअप आर्टिस्ट कैसे हैं आप सब आई होप सब अच्छे होंगे तो आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में आपकी हेयर स्टाइलिंग चल रही है मैगी कर्ल्स का तो वो सब मैं आज आपको बताने वाली हूँ फुल टेक्निक के साथ तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा यहाँ मैं मिस्टर बार की कर्ल मशीन यूज़ कर रही हूँ बिल्कुल जीरो मशीन यूज़ करनी है आपको इसका टेम्परेचर भी आपको हेयर के अकॉर्डिंग करना है मेरा वन फोर्टी से लेकर टू ट्वेंटी तक इसका टेम्परेचर था प्लस से आप उसे बढ़ा सकते हो देन माइनस से आपको जितने भी, भी डिग्री पर रखना है आपको हेयर चेक करने कि उनके हेयर कैसे हैं तब आप अपना टेम्परेचर सेट करें देन स्टार्ट करें सबसे पहले हमें टॉप टू ईर निकालना है ये जो हेयर स्टाइलिंग हम कर रहे हैं ये आप मैगी कर्ल्स वाला लॉन्ग हेयर पे करें तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि कर्ल जितने होते ना वो शॉर्ट हेयर हो ही जाते हैं तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे ज़्यादा लॉन्ग हेयर हैं तभी आप ये कर्ल करें अदरवाइज़ अगर शॉर्ट हेयर हैं तो आप उनसे मना करें या फिर बन बनाएँ या हाई बन बनाएँ लो बन बनाएँ आप वो ड्रेस के अकॉर्डिंग और क्लाइंट की फेस के अकॉर्डिंग कर सकते हो ठीक है तो यहाँ देखिएगा मैंने टॉप टू ईयर निकाला था और टॉप टू ईयर निकालने के बाद में मैं, मैं... कर्ल कर रही हूँ और आप देखेंगे कि लपेटने के बाद में ना हम कर्डिंग पे हेयर डालने के बाद में कर्ल मशीन को दोबारा से टर्न करते हैं जिससे कि वो स्काल्फ़ की तरफ चला जाए क्योंकि पहले अगर हम करते हैं तो हो सकता है शायद उनके स्काल्फ पे लग जाए तो इन चीज़ों का ध्यान रखोगे कि क्लाइंट के, के स्काल्फ़ पे टच ना हो आप पहले दूर रह के राउंड राउंड हेयर को करोगे कर्लर पर देन उसके बाद में हल्का हल्का उसे आ, ट्विस्ट करोगे रोल करोगे अंदर की साइड और ध्यान रखोगे कि उनके ये ना लगें ठीक है और कल हमेशा इनकी तरफ आप जाओगे मैंने बीच का पार्टीशन लिया था टॉप टू ईयर निकाला था देन दोनों साइड से आप देखिएगा कल इतना इजी नहीं होता है कि सिर्फ देख लिया सिर्फ कर ली तो करनी है पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सिर्फ आपको बहुत कुछ देखना होता है कि बीच के पार्टीशन के साथ में आपको किस तरह कर् निकालने हैं साइड का पार्टीशन करना है तो कैसे कर निकालने हैं और क्लाइंट को किस तरह का हेयर स्टाइल चाहिए तो किस तरह से आपको डायरेक्शन अपनी लेके जानी है ठीक है और ये जो कर्ल हैं मेरे लॉन्ग लास्टिंग रहने वाले हैं और जो मैंने आपको बताया है कि मेरे पास जो कर्लर मशीन है वो मिस्टर वार वार की है और मिस्टर वार वार की ही मेरे पास क्रिम्पिंग मशीन है देन मेरे पास स्ट्रेटनर मशीन है एक और चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ देन पहले आप ये देखिएगा कि मैंने उधर के पार्टीशन से किधर साइड से मशीन को राउंड राउंड कर रहे हैं ठीक है दोनों को इन में लेके जाना है इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है ये छोटे छोटे पॉइंट आपको बहुत ध्यान रखने हैं और एक चीज़ और कि आप प्रैक्टिस कर, करोगे ना साथ के साथ तो बहुत कुछ सीख पाओगे ठीक है तो इस चीज़ का ध्यान रखें मैंने टॉप टू ईर जो निकाला था ना तो वहाँ से भी दो पार्ट में डिवाइड कर करके कर मैं कर्ल कर रही थी और इस तरह से करके आप बीच के पार्टीशन का हेयर स्टाइलिंग करेंगे सिर्फ थोड़ा सा क्योंकि मुझे उनके सिंदूर डालना था तो सिंदूर बीच की वंग पे सूखा वाला सिंदूर तो इसलिए मैंने बीच का पार्टीशन करा था और उनका गोल फेस था तो इसलिए करा था और मैं एक चीज बताती हूं आपको कि किसी के अगर लॉन्ग हेयर है और उनके आ, मतलब कि थिक बहुत ज्यादा वीक हेयर है कमजोर हेयर है तो पहले उन क्लाइंट के हेयर्स पे आप क्रिम्पिंग करोगे दैन तब आप ये कर्लिंग करोगे ठीक है ये चीज आप ध्यान रखोगे मेरी क्लाइंट के जो हेयर थे वो अच्छे थे ना तो लो थे ना ज्यादा हाई थे तो इनमें अच्छे से कर्ल हो रखे थे और एक और चीज़ के आपको जो मैगी कर्ल ये शॉर्ट कर्ल होते हैं ना तो ये लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं आपके ओपन नहीं होते हैं ठीक है इस चीज़ का ध्यान रखो और हेयर स्प्रे अगर डाल देते हो ना तो फिर तो और ज़्यादा स्टिक हो जाते हैं तो ये कहीं भी खुल के नहीं जाने वाली हैं चाहे किसी के सिल्की हाँ ज़्यादा सिल्की हेयर होते हैं तो फिर आपको थोड़ा सा स्प्रे वग़ैरह करना होता है देन अगर नॉर्मल हेयर है ना तो आपके ये वाले कर्ल बहुत टाइम तक स्टे करते हैं ये कहीं नहीं जाने वाले होते हैं सिर्फ आपको सबसे पहले आपको टॉप टू ईयर का करना है देन फिर उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे बैक का ठीक है आपको बैक का भी ध्यान रखना है कि किस तरह से करनी है ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें कर्लिंग कर देनी है ठीक है आप देख सकते हैं कि मेरा जो टॉप टू ईयर है वो कंप्लीट हो चुका है अब हम बैक से स्टार्ट करेंगे और बैक से किस तरह से करेंगे वो भी देखिएगा और हमें हेयर स्टाइलिंग करते हुए ना हमेशा दो लोगों की नीड होती होती है क्योंकि हेयर पकड़ने होते हैं ठीक है बहुत से मैंने देखा है वीडियोस में ना कोई भी हेयर्स को कहीं से भी उठा लेता है देन कर्ल कर देते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है यार कहीं से भी हेयर्स नहीं उठाए जाते उनकी सबकी पोजीशन पोजिशन होती है हमें कहाँ से हेयर लेना है किधर डायरेक्शन में डालना है ठीक है इन चीज़ों का आप ध्यान रखोगे ज़रूरी नहीं है कि फ्रंट हमारा हेयर स्टाइल होगा तो हम फ्रंट का ध्यान रखें कि हमें किस तरह से लेनी है बैक का ध्यान बिल्कुल भी ना रखें कि बैक से तो हम जैसे चाहें वैसे हेयर्स कर सकते हैं बट बट नहीं ठीक है आप हमेशा मेरी अगर हेयर स्टाइलिंग की वीडियो आप देखते हो ना पीछे जाके मेरे चैनल पे तो मैं जो भी टोंग मशीन से कर्ल करती हूँ हैवी कर्ल्स जो भी देती हूँ उनकी डायरेक्शन भी आप देखिएगा अगर जितने भी सेक्शन निकल रहे हैं हमारे तो जितने सेक्शन अगर यहाँ पे सपोज करो हमारे छः सेक्शन निकल रहे हैं छो तो छः में से तीन की डायरेक्शन इधर साइड से आएगी देन तीन की डायरेक्शन उधर साइड से आएगी तो हमेशा कर्ल जो करते ना वो डायरेक्शन देख के हमेशा होना चाहिए क्योंकि फिर बैक से आपकी हेयर स्टाइलिंग बेस्ट नहीं रहेगी देख सकते हो आपके मैंने कर्ल मशीन को पकड़ने की जो चेंजिंग है बिल्कुल अलग हो गई है दोनों साइड से ठीक है दो सेक्शन मेरे इधर से दो सेक्शन मेरे उधर से हैं तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखोगे हेयर स्टाइलिंग करते हुए और कर्ल को आपको बाद में ओपन भी करना है और आपको ऐसा नहीं है कि स्काल्व से छोड़ के आप अपने हेयर स्टाइलिंग करोगे बिल्कुल भी नहीं ठीक है पहले दूर से आप राउंड राउंड मशीन के ऊपर हेयर्स को करोगे देन फिर से ट्विस्ट करके मशीन को आप स्कल्प की साइड लेके आओगे जिससे कि स्कल्प पे भी हेयर का वॉल्यूम दिखाई दे ठीक है सारी चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है सारी चीज़ें ठीक है और जो भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो वो आप मुझे कमेंट डाउन करके पूछ लीजिएगा मैं हमेशा सारी वीडियोस पर अपने आ, कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देती हूँ जिनका मुझे लगता है कि हाँ इनका देना बनता है और वो मुझसे जेनवन चीज़ें पूछ रहे हैं तो मैं कमेंट ज़रूर करती हूँ ठीक है और मैं एक फ्री ऑनलाइन आपको क्लासेस देती हूँ जिससे कि आप बहुत कुछ सीख पाएँ ठीक है जो भी आपको चाहिए वो मैं सब कुछ दिखाने की कोशिश करती हूँ अगर नहीं भी दिखाती हूँ तो आप मेरी लास्ट की वीडियोज़ को देखिएगा कि मैं किस तरह से आ, करती हूँ ठीक है और मैं ब्राइडल के लिए भी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें का यूज़ करके आप लोग को दिखाती हूँ कि आप डिफरेंट तरीके से किस तरह से हेयर स्टाइलिंग या मेकअप जो भी चीज़ें हैं और मेरे चैनल पे आपको मेकअप आप, हेयर स्टाइलिंग देन जो भी पार्लर से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सब कुछ मिलेंगी और अगर जो भी आप देखना चाहते हो तो वो भी आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हो गाइज़ और मैंने यहाँ पर कोई भी क्रिम्पिंग नहीं करा था बहुत से लोग होते ना थोड़ा टाइम उन्हें देखना है वीडियो को फिर बीच में से ही छोड़ देते हैं ऐसा बिल्कुल भी ना करें वीडियो को फुल देखें क्योंकि हम ज़्यादा टाइमिंग की वीडियो अपलोड नहीं कर रही हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइमिंग की होती है तो लोग नहीं देख पाते हैं ठीक है कम टाइमिंग की देख पाते इसलिए मैंने वीडियो को फास्ट कर दिया था और यहाँ आप देख सकते हो कि जो मेरा हेयर का लास्ट पॉइंट है टॉप टू का आ, वो मैं सिर्फ कर रही हूँ और आपको देखिएगा मैगी कर्ल्ड मैंने एक नॉर्मल कर्ल में आपको बताया है कि कौन कौन से कर्ल होते हैं इस तरह से ये बेब कर्ल पहले हमें मशीन पर ट्विस्ट करना होता है देन एक राउंड राउंड करना होता है देखिएगा आप बल आ जाता है उसमें जिसे हम बोलते हैं बेव कर्ल्स ठीक है तो बेब आ जाता है तो हम इन पर बेव कर्ल्स ही करते हैं वो अगर आपको समझना आए तो मैं आपको वो वीडियोस इंस्टाग्राम पे छोटे छोटे पॉइंट्स में डालती रहती हूँ तो आप वहाँ से भी मेरी वीडियोस को देख सकते हो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है नीलम मेकोबर फोर फोर सेवन ठीक है तो वहाँ पे जाके छोटी छोटी क्लिप्स में डालती रहती हूँ तो वहाँ भी आप जाके मेरी बहुत कुछ चीज़ें सीख सकते हो तो देख सकते हो कि मैंने राउंड राउंड किस तरह से करा है ठीक है थोड़ा सा मेरे हेयर्स में ट्विस्ट आ जाता है ठीक है तो ट्विस्ट आने से क्या है कि हेयर की जो वो है वो अच्छे से बन जाती है ठीक है वॉल्यूम जो है वो अच्छा दिखता है ठीक है आपको इस तरह से ओपन करना इस तरह से कर लीजिए क्योंकि मेरे क्लाइंट के हेयर जो थे हैवी थे तो मैं फिंगर से ओपन कर रही थी देन सिर्फ आपको करना क्या है हेयर को पकड़ के एकदम स्ट्रेट कर देना जिससे कि वो हल्के हल्के ओपन हो जाएंगे ठीक है अगर आप इस तरह से करना नहीं चाहते देखिएगा जिस तरह से मैं कर रही हूँ सिर्फ हल्का हल्का ओपन कर रही हूँ बहुत हल्का हल्का आपको ज़्यादा नहीं करना है ज़्यादा ओपन नहीं करना है नहीं कॉम करना है ठीक है इस चीज़ का ध्यान रखें कि बहुत से लोग होते हैं ना मोटे कॉम से कॉम कर देते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको सिर्फ़ वो उन्हें स्ट्रेट करना है या हल्का हल्का खोलना है हल्का हल्का सिर्फ हल्का हल्का आपको फेस फ्रेमिंग के लिए अच्छे से हेयर निकालने हैं जब आपको हेयर स्टाइलिंग करनी है ठीक है और मैंने बीच का पार्टीशन कराया था और बीच के पार्टीशन को मैंने आ, अंदर की साइड ना थोड़ा सा ही बीच का पार्टीशन करा था और जहाँ सिंदूर सिंदूर लगाना था देन उसको मैंने फिल कर दिया था ठीक तो है तो आप उसको सिर्फ स्ट्रेट करनी हेयर तो उससे कर्ल क्या ओपन हो जाएंगे और हैवीनेस दिखाई देगी ठीक है सिर्फ मैंने फ्रंट की कर्ल लिया उनमें पिंस लगा दी थी और आगे से एक फाइनल पिन होती है हमारी बहुत पतली वाली होती है उससे हेयर में वो दिखाई नहीं देती आपको तो उससे हमने वो लॉक कर दिया था जिससे कि ज़्यादा जो बीच का पार्टीशन है वो ज़्यादा दिखाई ना दे। देख सकते हो आपको मैंने दोनों साइड से लेके हेयर क्योंकि मेरी क्लाइंट की चॉइस थी इस तरह से हेयर स्टाइलिंग कराना तो मैंने छोटी वाली बॉब पिन जो है वो यूज़ कर ली थी आप देख सकते हो कि हेयर स्टाइल जो है वो बहुत खूबसूरत लग रही थी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी और आजकल ये वाली जो हेयर स्टाइल है वो ट्रेंडिंग में चल रही है मैंने शॉर्ट में जूड़ा भी बनाया हुआ है अगर आपको देखना हो तो मेरे इंस्टाग्राम आई डी जाके देख सकते हो मैंने वन मिनट में बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करी है वहाँ और आपके पास जो भी हेयर एसेसरीज़ हो वो आप लगा दीजिएगा देन आपकी जो हेयर स्टाइल है वो कम्प्लीट हो चुकी है और आई होप आपको जो मेरी हेयर स्टाइल है ना वो बहुत अच्छी लगने वाली है बहुत पसंद आने वाली है और आई होप आप अपने क्लाइंट के ऊपर ये ट्राई करोगे क्योंकि ज़्यादातर जो मेरी वीडियोस देख रहे होंगे वो पार्लर से रिलेटेड लोग ही देख रहे होंगे और फाइनल में मैंने यहाँ पे हेयर स्प्रे यूज़ किया है और हेयर स्प्रे जो मैंने यूज़ करा है वो स्कॉच कॉफ का कर करा है थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो बाय मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में